नमस्कार, बेबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। देश भर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया ईद का त्योहार। नजरबंदी के दौरान भिड़े उमर और महबूबा, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। श्रीनगर में व्यापारियों को लगभग 1000 करोड़ की चपत, प्रतिदिन हो रहा करीब 175 करोड़ रुपए का नुकसान। हेलीकॉप्टर से जाएगी छड़ी मुबारक, अमरनाथ यात्रा का होगा पारंपरिक रूप से समापन। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर अमन शांति और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हरि निवास महल में नजरबंद किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला को दूसरी जगह शिफ्ट करने की नौबत आ पड़ी। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद उनको वहां से अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ हेल्पलाइन ने रविवार को लोगों के लिए नया नंबर जारी किया। ये नंबर खासकर कश्मीर के उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने परिवार के लिए मदद चाहिए या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद जो मुश्किल में है। परंपरा को जीवित रखने की खातिर राज्यपाल शासन ने अमरनाथ यात्रा की प्रतीक छड़ी मुबारक को अब हेलीकॉप्टर से अमरनाथ गुफा तक पहुंचाकर उसे स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि अमरनाथ यात्रा संपन्न मानी जा सके। दरअसल पवित्र छड़ी मुबारक शनिवार को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शनिवार को पहलगाम नहीं पहुंच सकी। पवित्र छड़ी मुबारक अब हेलीकॉप्टर के जरिए ही पवित्र गुफा पहुंचेगी और वह 14 अगस्त को अपनी विश्राम स्थलीय दशनामी अखाड़ा से रवाना होगी। पवित्र गुफा में पवित्र छड़ी मुबारक का प्रवेश 15 अगस्त रक्षाबंधन की सुबह होगा। इसके साथ ही बाबा बर्फानी के मुख्य दर्शन के साथ श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा 2019 भी संपन्न हो जाएगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए गिरफ्तार नेका नेता तथा पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर को रविवार को उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में भेज दिया गया। ये मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के पहले नेता हैं जिन्हें राज्य से बाहर की जेल में भेजा गया है। ज्ञात हो कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन, इमरान रजा अंसारी समेत विभिन्न दलों के 600 से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को अब तक हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति व राज्य के पुनर्गठन के बाद से सिर्फ शीतकालीन राजधानी श्रीनगर में व्यापारी समुदाय को लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक सदस्य के अनुसार पाबंदियों के चलते कश्मीर में व्यापार का औसतन 175 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब committed to prove quality, patient care and diagnosis under one roof, 51/9 Trikuta Nagar near police station, Puri exclusive women, designer suits, saris, lehengas and bridal gowns, Ganesh Deya Nursing Home, Talaptilo Road behind petrol pump, Pakka Garad, Jammu, Friends Toys, visit for all kinds of toys for all age group, Sanjinagar, Jammu. Jammu Halchal. रक्षाबंधन को लेकर रविवार को छुट्टी के दिन राखियों की खूब खरीदारी हुई। बहनों ने बहुत ही उत्साह के साथ अपने भाइयों के लिए राखियां पसंद कर खरीदी। राखियां बेचने वाली दुकानें व फड़ियों में दिन भर भीड़ लगी रही। साईबंद की पंथ के प्रमुख ने आज संत आश्रम अखनूर में आध्यात्मिक प्रवचन दिया। पूरे भारत की विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में आध्यात्मिक साधकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सदगुरु मधु परमहंस जी का आशीर्वाद लिया। अपने प्रवचन के दौरान स्वामी मधु परमहंस जी ने कहा कि कबीर साहब पहले थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और अमरलोक या सतलोक के तथ्यों का खुलासा किया जो तीन सांसारिक क्षेत्रों में परे हैं। वो धीरे 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 मान लो इस टंकी को खींचा, आगे का खींचने के बाद, पर इसको खींचने के बाद अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो वो मकानों को खींचने का, उसको खींचने का, इसको
कृष्णा को इस तरह खींचते 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 उसको करीब 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 चार युग होते हैं 2 करोड़ साल में। ऐसे 100 चौकड़ी युगों के बाद में महाप्रलय, इसका मतलब है नियर अबाउट 1000 मिलियन ईयर बाद महाप्रलय। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। जम्मू शहर की ही बात करें तो कच्ची छोनी परेड क्षेत्र में जमाजम बारिश हुई, लेकिन गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के इलाके सूखे रहे और यहां तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा। आल जम्मू कश्मीर वाल्मीकि दलित समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने हमें अनमोल तोहफा दिया है और 70 साल जो हम गुलाम रहे उस गुलामी से हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। 1947 में पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी की देन है, जो उन्होंने हमें आज़ाद किया इस गुलामी भरी जंजीरों में से, जो कि हमारा समाज दबा कुचला हुआ था, उस समाज को और रेफ्यूजियों को आगे लाने वाली भारतीय जनता पार्टी का हम तह दिल। भक्तों ने महीने भर चलने वाले सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर रणवीरेश्वर मंदिरों में माथा टेका। आज सावन का आखिरी सोमवार है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।